लखन कहा हँस हमरो जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छूटत टूट रघुपति नहीं दोसु, मुनि बिनु काज करिहो कत रोसु। बोलय चितय परसुकी ओरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोलु बधौ नहि तोही, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोहु। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हे, विपुल बार महि देवन दिन्हे। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन प्रसु, मोर अति भोर। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण पशुराम संवाद है। लक्ष्मण ने पशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर हंसते हुए कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक से होते हैं। इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ दिया। यदि यह राम के छूते ही टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष। हे मुनिवर, आप तो अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस उपहास एवं व्यंग भरे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे मूर्ख, लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी बलिष्ठ भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी से सभी राजाओं का नाश कर दिया था। इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया था। मैंने उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया था। अरे राजकुमार, सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसों को देख। अरे राजा के बालक, मुझसे उलझकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मृत्यु को मत बुला। मेरा यह फरसा बहुत भयानक है, यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। इस दोहा और चौपाई छंद के माध्यम से कवि कुलकुमुद कलाधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताने का प्रयास किया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर यह होगा कि लक्ष्मण ने कहा कि सभी धनुष एक समान नहीं है, फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या लाभ हानि। अगर यह धनुष राम के छूते ही टूट गया तो इसमें राम का क्या दोष। दूसरा जो प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, तो लक्ष्मण ने शिव धनुष टूटने के बाद क्रोध को अकारण बताया, क्योंकि उनके अनुसार लड़कपन में इस प्रकार के अनेक धनुइयों को हमने तोड़ा, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए क्या कहा। उत्तर, परशुराम ने कहा कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को कई बार राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दिया है। मेरा यह फरसा बहुत भयानक है। यहाँ महु महीप महाभट वाणी में अनुप्रास अलंकार है, मम की आवृत्ति है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। और सठ तथा क्षत्रिय कुल द्रोह शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यह सठ शब्द का प्रयोग लक्ष्मण के लिए और क्षत्रिय कुल द्रोही शब्द का प्रयोग परशुराम के लिए किया गया है। इस उपर्युक्त पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें दोहा चौपाई छंद है।
बिहसी लखन बोलय मृदु बाने, अहो मुनीषु महाभट माने, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हर बतिया को नाहू, जेतर जनी देखी मरी जाहें, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भेगुसुत समुझ जनेहू भी लोकी, जो कछु कहूँ सहों रिस रोकू। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर्ण सुराई। बधय पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परिहौ तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित करहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुने सरोस भिरुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इस दोहा चौपाई के द्वारा कवि कुल कुमुद कलादर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा राम लक्ष्मण पशुराम संवाद जो बालकांड से लिया गया है, पशुराम के अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। वे हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिराज, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। पर यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा या कच्चा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर कुम्हला जाए। लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई दुर्बल और कमजोर व्यक्ति नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाएगा। हे मुनि, आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर धनुष बाण को देखकर मैंने भी कुछ अभिमानपूर्ण शब्द कह दिए, पर आपको भृगु ऋषि का पुत्र जानकर तथा आपका जनेऊ देखकर आपने जो भी कहा मैंने सह लिया और अपने क्रोध को रोक लिया। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त तथा गाय, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और हार जाने पर अपजस। इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके चरण स्पर्श ही करूँगा। आपका एक एक वचन करोड़ों बज्रों के समान है। फिर आप यह धनुष बाण और फरसा व्यर्थ ही धारण करते हैं। हे महामुनि, यदि इसने कुछ अनचित कह दिया हो तो इसे क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर भृगुवंश मनि पशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। इस तीसरे दोहा और चौपाई के द्वारा जो प्रश्न बन रहे हैं, पहला प्रश्न है, कुम्हड़ बतिया को नाही से क्या आशा है? इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने पशुराम द्वारा धनुर्भंग के समय क्रोध किए जाने पर उन पर व्यंग किया कि यहाँ कोई कुम्हड़े की भांति दुर्बल नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। व्यंग हर व्यक्ति के लिए चुभने वाला शब्द होता है। कहा भी गया है कि व्यंग हृदय में इतना चुभता जितना चुभता तीर नहीं, जले न प्रतिहिंसा की ज्वाला में ऐसा कोई वीर नहीं। दूसरा जो प्रश्न है, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कठोरा पंक्ति का आशय के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो लक्ष्मण ने पशुराम पर व्यंग किया कि हे मुनिवर, आप तो कठोर वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। आपके तो कठोर वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। आप धनुष बाण और फरसा बेकार ही धारण करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, लक्ष्मण ने अपने कुल की किस परंपरा का उल्लेख किया? तो लक्ष्मण ने बताया कि हमारे रघुकुल में देवता ब्राह्मण गाय एवं भगवान के भक्त, इन चारों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, अर्थात उनके कुल में इन पर शस्त्र प्रयोग वर्जित है। और प्रश्न इसमें बनते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा कौन सी है? तो इस काव्यांश की भाषा अवधी भाषा है। यह पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई है? दूसरा प्रश्न, यह पंक्तियाँ दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है। अब जो है काव्यांश में चढ़त चहत उड़ावन फूक पहाड़ का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो फूक मारकर पहाड़ उड़ाना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने का दंभ भरता है जो उसके सामर्थ्य से बाहर हो। पशुराम द्वारा फरसा दिखाकर लक्ष्मण को धमकाना ऐसा ही काम है। लक्ष्मण अत्यंत वीर थे, उन पर पशुराम के धमकाने का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।